मम्मा को अदरक की चाय चाहिए एकदम कड़क के, उसको इतना थोड़े टूटे ही ना, एकदम तीखा लगे कि गला जल जाए। oh, no. तो गाइस आपने लास्ट टाइम डोमिनोज फूड कब खाया था? मैंने तो पिछले साल खाया था, इस साल खाया ही नहीं। huh? मैंने भी पिछले साल खाया था, मैंने भी अनफॉर्चुनेटली पिछले साल ही खाया था, इस साल तो खाया ही नहीं। आज है 2nd January 2021 का स्टार्ट है, तो बेसिकली पिछले साल हमने खाया चाहे दो चार दिन का ही बात हो। तो गाइस आज हम उसी से रिलेटेड चैलेंज करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं ईटिंग ओनली डोमिनोज फूड फॉर 24 आवर्स। आज हम पूरा दिन डोमिनोज का ही फूड खाएंगे। हाँ गाइस, अब हमारा 2021 का फर्स्ट वीडियो है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और इंस्टा पे फॉलो कर देना। और इस वीडियो को आप 50K लाइक्स तक तो पहुंचा ही दोगे, तो भर भर के लाइक करो। और चलिए हम चैलेंज की शुरुआत करते हैं। हमें ब्रेकफास्ट चाहिए अभी सुबह में। अभी ब्रेकफास्ट और लंच मैं घर में ही खाने वाली हूँ, और उसके बाद शाम को हम लोग चलेंगे बाहर डिनर के लिए। ओनली वंस। देखो सब लोग को लगता है यूजुअली कि डोमिनोज में सिर्फ पिज्जा मिलता है, लेकिन डोमिनोज में पिज्जा के अलावा बहुत कुछ अलग अलग चीजें मिलते हैं। अब देखने के लिए क्या हम अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो अभी हम अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं। चलो। तो बेसिकली मैं आज मेन्यू जब एक्सप्लोर करी थी, मुझे वेज पार्सल जैसी नई चीज पता चली। फिर मुझे ये नहीं पता टैकोस भी मिलता था, तो मुझे लगा था मिलेगा, लेकिन मिल भी रहा है मुझे नहीं पता था। और लोग 1 rupees केचप का लेंगे। और आज तक मैं तो डोमिनोज में मैं तो बस पिज्जा खाने जाती थी, पास्ता कभी लेती नहीं थी, पर आज तो हम ना सब 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 चीज देखेंगे। मूस केक, अरे इसमें तो मूस केक भी है जो मम्मा ने उस दिन बनाया था कुकिंग के टाइम। ये बटरस्कॉच मूस केक है। तो देखो गाइस आ ही गया, सब लोग इधर रुके हैं हमारे ऑर्डर के लिए। 12 बज गए लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट नहीं आया, क्योंकि हमने 11:30 को ऑर्डर किया था, वो अलग बात है। आयशा के लिए हम लोग ने बर्गर दिखा था, तो पहले तो हमने पेप्सी ऑर्डर किया। तो ये देखो हमें 2 tissues भी फ्री में दिए हैं। टिश्यू सैनिटाइजर अभी आजकल फ्री में बांटना चाहिए था। और ये सब हर्ब्स हैं। तो ये मेरा टैको है जो भी मम्मा अनबॉक्सिंग, टैको मैक्सिकन है। ये तो देखने में फोटो में बहुत यम्मी लग रहा था, और रियलिटी में ये देखो कितना छोटा सा है, मैंने बनाया था ना वीडियो। अब दूसरे वाले की अनबॉक्सिंग, ये मम्मा का। ये देखो इसमें पनीर तो बाहर नहीं निकल रहा है। अब आयू के बर्गर पिज्जा की बारी। वाह, इसमें तो अच्छा है, खोल दिया मैंने पूरा। अभी तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको खा रही हूँ। तो ये टैकोज है, मुझे पर्सनली मैकडोनल्ड्स का टैकोज बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है, इसको मैं घर पे बनाना भी ट्राई करूंगी। काफी अच्छा है। ये भी बहुत यम्मी है। आयुष का तेरा वाला मुझे टेस्ट करा और तू ये वाला टेस्ट कर। हम लोग बहुत ही प्यारे फैमिली है जो एक दूसरे का शेयर करता है। आयु का सबका खाना है, आयु को डोमिनोज का हर फूड बहुत पसंद। मैंने दिया सबको, मैंने। अरे वाह, ये अनु की स्माइली है क्या? मजा आया ना? हाँ मजा आ गया, पेट भर गया, जो कब से भूख लगी थी फाइनली एकदम डिलीशियस खाने से अच्छा लगा। बहुत चीजी था एंड यम्मी था, बट मुझे तो एक ही चीज की कमी महसूस हो रही है, बाकी तो सारी चीजें अच्छी थी। क्योंकि मेरी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय नहीं मिली, और उसकी जगह पे पेप्सी पी के मजा नहीं आया मुझे। बट मुझे तो चाय चाहिए ना सुबह में। हाँ मम्मी यूजुअली पीती है चाय। वैसे अनु कहाँ गई? अनु बोली मैं कुछ मैजिक करने वाली हूँ, पता नहीं कहाँ गई। मैं एक मैजिक करने वाली हूँ। अच्छा, I am the great magician. क्या मैजिक करने वाली है? ग्लास, टावल और स्ट्रॉ से क्या मैजिक करने वाली है? अगर टावल मिला नहीं ऑन द पॉइंट तो टावल ही लेके आ गई। मुझे इसको पीना होगा, लेकिन इसके ऊपर ये रहेगा, टावल रहेगा ग्लास के ऊपर। हाँ, और मैं टावल को छू भी नहीं सकती। तो कैसे पियोगी? मैं वो देखो। वेल देयर स्ट्रॉ देखे तो पता समझ ही आ गया कैसे। स्ट्रॉ से पीने वाली हो, लेकिन इसके ऊपर कैसे पियोगी? मजा आ गया, पी लिया। पी लिया? हाँ पी लिया। ऐसे कैसे पी लिया?
चेक करती हूँ। देखो ये ग्लास तो मैंने बोला था मैं इसको मैं नहीं छू सकती, मैंने कब बोला था मम्मा नहीं छू सकती। ये और इसके भागिया जो इतने अच्छा मैजिक ट्रिक था, बतावा का बतावा हम। तो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, आई थिंक कुछ दो तीन घंटे बाद मेरा मतलब अब 2-3 घंटे बाद वापस भूख लग जाएगी, हम लोग वैसे ही लोग हैं। तो चलो मिलते हैं अभी 2:30 बजे। अपने लिए गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया है, मुझे बहुत पसंद है गार्लिक ब्रेड, वो भी चीज डिप के साथ। और मैंने ऑर्डर किया मेरे लिए पास्ता जो वेजिटेबल से भरा है, मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव आयु का लग रहा है देखने में, लेकिन मुझे पता है कि हां तीनों में तो अलग ट्राई करना, हमने अलग अलग चीजें ऑर्डर किए हैं। तो मैंने ये टिक्का मसाला पनीर टिक्का मसाला है, पनीर टिक्का मुझे लगता है वेज मेनिया मेनिया कुछ नाम होगा। बारे में तो बहुत सारी वेजिटेबल है, मेरा तो बहुत अच्छा है। गार्लिक ब्रेड खाओ, आप कमेंट करके बताना आपका फेवरेट क्या है डोमिनोज। तो गाइस लगता है हमारा लव तड़का वापस आने वाला है। क्या है लव तड़का, आप गेस करो। लव तड़का एक्चुअली ना हमारा खुद का रेस्टोरेंट है, हमने रिसेंटली खोला है अमेरिका में। अगर आपको विजिट करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। गाइस हम यहाँ आए तो सही, लेकिन देखो चेरी हटा दिया है। लॉल गाइस अभी जो हम आपको बताएंगे वो सुन के आप तो हो जाओगे सच्ची में आज हम लोग ऐसा परेशान हुए ना कि पूछो ही मत। तो ये स्टोरी में अक्सर क्या हुआ, हम एकदम भोले भाले बच्चे लोगों की तरह मॉल में गए, सोचे कि पहले शॉपिंग कर लेते फिर बाद में ऊपर मॉल में जाएंगे, तो करना ही होगा। आज हमने आराम से शॉपिंग किया, जब एंड में हम लोग जब रात हो गई तो हम लोग ऊपर गए तो पता चला उधर का फूड कोर्ट में वही शॉप डोमिनोज वाला बंद है, निकल गया आउटलेट उसका बंद था, आउटलेट ही हट गया नहीं है। फिर हम लोग निकले दूसरे वाले का, जो हम लोग को पता था ना एक और आउटलेट था, तो हम लोग उधर गए वो भी बंद हो गया। फिर हम लोग मुझे मैंने बोला एक मुझे पता है, अब अगर वो बंद होगा ना तो चैलेंज में ऑनलाइन ही करना पड़ेगा पूरा। तो हम वहाँ गए वो खुला था लेकिन उधर बैठना अलाउड नहीं था, तो हम लोग वहाँ से ली और यहाँ पे आए। देखो इतना दुनिया में हम घूमे लेकिन आए तो यहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल पे ही, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी शॉप ऐसी हैं जो बंद होती जा रही हैं। तो हमारे नियर में तो 3-3 थे लेकिन 2 तो बंद हो गए, एक हमें छोड़ दिया एक भगवान ने बोला रहने दो बच्चों को। ओ गाइस तो हम आपको बताते हैं हम डिनर के लिए क्या लिया, हमने 2 लिया है ये वेज लोडेड पिज्जा, आज हम लोगों ने नाश्ता तो इतना लेट किया तो फिर लंच करने में बहुत लेट हो गया, तो 4 बजे का हम लोगों ने स्नैक तो किया नहीं क्योंकि भूख ही नहीं थी। उसके बाद सीधा हम लोग डिनर पे आ गए, तो अभी डिनर में ये सब लाए हैं क्योंकि पूरा दिन ये खा खा के मेरा तो मन भर गया, मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं, मेरा तो मन नहीं भरा। देखो डोमिनोज के मामले में मेरा मन कभी नहीं भरा, हमारे पास बेसिकली 8 पीसेस हैं, मुझे ज्यादा खाना नहीं, इसके लिए हमने 2 ही लिया है क्योंकि एक तो बहुत हैवी हो जाएगा, एक कोई खा नहीं पाएगा। डिनर में वैसे ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, हम लोग बहुत मतलब बहुत कंट्रोल कर। चलो इसमें हम ओरिगेनो डाल रहे हैं, चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है पिज्जा। खाओ नहीं लगा बहुत कम है, बच्चों को तो पूरा दिन बाहर का खाना दो, लेकिन मुझे मम्मा का पिज्जा ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों अभी मैं तो मशरूम नहीं खाती, तो मैं तो अपना मशरूम मम्मा के में डाल दूंगी, मुझे मशरूम भी पसंद है, मेरे को मशरूम बहुत पसंद है, चिकन जैसा लगता है वो वेज चिकन होता है, लोग उसको वेज चिकन बोलते हैं। हम दोनों वेजिटेरियन हैं तो हमको चिकन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं पहले नॉनवेज खा रही थी और मैं छोड़ दी, अब बहुत लोग बोलते हैं नॉनवेज कैसे छोड़ दिया, बस छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, कहाँ खा रही तब छोटी थी तब तुमको पता नहीं होता था कुछ भी। मम्मा मैं बचपन में भी मना करती, मम्मा बोलती पनीर खा लो क्योंकि मतलब उससे इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है ना, बोलती पनीर खा लो, मैं बचपन में खा गई, लेकिन अभी मेरे पास बहुत ही स्ट्रांग दिमाग है, हम उल्लू नहीं बनने वाले। अगर आपकी मम्मा ने भी आपको ऐसे खिलाया बोल के तो कमेंट करके बताना। ये भी कहते कि सीड मत खाना वरना तुम्हारे पेट में पेड़ उग जाएगा,
ऐसा बहुत हम बच्चों ने लाइक सुना है। मेरे पास भी चोकोलावा केक, मेरे पास चोकोलावा केक नहीं है, मेरे पास है माउस। आज ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है। मैं इसको थोड़ी देर ऐसे क्या रख दी, इसका पूरी सुंदरता नीचे गिरने लगी। चलो ट्राई करो, ये तो मुझे पता है, ये तो मेरा फेवरेट। वाह कितना सुंदर लग रहा है, और मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, दो आप जाके देखो और बनाओ। मम्मी का भी बहुत है। गाइस आज हमारी छुट्टी का आखिरी दिन है, तो मम्मा ने हमें गिफ्ट दे दिया डोमिनोज पूरा दिन के लाके। हमारा चैलेंज भी हो गया और इन लोग को मजा भी आया। गाइस अभी आप आई का सेंस ऑफ ह्यूमर सुनो। चल अनु आज स्लीप ओवर करते हैं। वो तो रोज ही करते हैं। मैं उनके साथ ही रहती हूँ सेम घर में, ये मेरे घर में रहती है, बोलती है कि स्लीप ओवर करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैलेंज खत्म होता है, हम लोगों ने सब खा पी लिया और पूरा दिन डोमिनोज खा के मजा तो बहुत आई, बट पूरा बहुत हैवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना। बहुत कैलोरीज खाया है, तो जंक फूड चैलेंज होना था। लेकिन बच्चों को मजा आता है ये सब चीजें खाने में, एक दिन तो ठीक ही है ना। तो गाइस इस वीडियो के, ये मेरा इस साल का पहला वीडियो है, तो भर भर के लाइक देना, सभी के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ गाइस 1 मिलियन तक पहुंचाना है, इंस्टाग्राम पे कुक विद आशा आईओनोरोज सबको फॉलो करना, लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा ही, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप अपडेटेड रहो हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आए, बहुत जरूरी है, ऐसे घंटी टन करके बजा दो। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।